हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप जो ना कैसे जेस कैश के अनलिमिटेड क्लोन बनाओगे। तो बिल्कुल ही आसान सा काम है, ठीक है। तो आपने करना क्या, सिंपली आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि यार आपको वीडियो समझ आ सके, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो यार आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जेस कैश के क्लोन आपने कैसे बनाने अनलिमिटेड, तो बिल्कुल ही आसान सा काम है, ठीक है। आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले दो ऐप है आपने डाल लेनी है, ठीक है। जिसमें से आपको बता दूं, सबसे पहली ऐप तो है जेस कैश ऐप, ठीक है। जेस कैश ऐप आपने जो ना प्ले स्टोर से नहीं डालनी है, ठीक है, और आपने गूगल क्रोम से डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसका वर्जन आपको मैं बता दूं, वो वर्जन आपको कौन सा डाउनलोड करना है, वो वर्जन आपको ये डाउनलोड करना है 9.0.42 का वर्जन आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आप ये वर्जन डाउनलोड नहीं करोगे तो यार आपका जो क्लोन है वो नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा आपको बता दूं, जो आपको जिस ऐप से आपको जेस कैश को क्लोन करना है वो ऐप आपने डाउनलोड करनी है, ऐप क्लोनर, ठीक है। उसका वर्जन भी आपको बता देता हूँ क्या होना चाहिए, उसका वर्जन होना चाहिए 2.7.1, ठीक है। तो आपने ये वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है। आपने इसके अलावा कोई भी वर्जन नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता भी देता हूँ कि आपने डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, और आपको पूरा बता देता हूँ कि आपने क्लोन भी किस तरह बनाना है, ठीक है। तो बस आपसे यार एक ही रिक्वेस्ट होती है, हर वीडियो में स्टार्ट करने से पहले यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों यार हमारा चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है, और आप सब ने वीडियो एंड तक देखनी ताकि आपको वीडियो समझ आ सके। तो सबसे पहले हम अपनी जेएस कैश की ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यार दोस्तों मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेते हैं। अब यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, जेस कैश ऐप 9.0.42 ये आपने लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद जो है इसे सर्च कर देता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद ये पहले ही अप टू डाउन का एक वेबसाइट है, जैसे ये अप टू डाउन की एक वेबसाइट है, ठीक है। आपने इससे डाउनलोड करना है, ठीक है। इससे डाउनलोड करने से आपको ये होगा कि यार आपको आसानी होगी डाउनलोड करने में। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ ओल्ड वर्जन देख सकते हो, ठीक है। इस ओल्ड वर्जन पे आपने क्लिक करना है, ओल्ड वर्जन पे क्लिक करना है। तो ओल्ड वर्जन में आपने यहाँ देख लेना है कि भाई आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है, 9.0.42 ये वर्जन आपने डाउनलोड करना है। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब थोड़ा ये ड्यू टू मेंटेनेंस में, ठीक है, मैं बैक कर लेता हूँ, फिर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यार इस वेबसाइट में थोड़ा जो ना मेंटेनेंस का काम हो रहा है, ठीक है। तो इस ऐप से ये डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन मैंने पहले इसी ऐप से ही किया था, ठीक है। इस ऐप से आपने ट्राई करना है, ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर दूसरी ऐप से भी मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन इससे ये होगा कि यार आपको डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो अब मैं बैक कर लेता हूँ, कोई और वेबसाइट देख लेता हूँ, तो और बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं बैक आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ कोई ये वाली वेबसाइट देता हूँ, हैप्पी मूड वाली, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और ये वर्जन जो ना इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम जो ना यहाँ नीचे फास्ट डाउनलोड पे नहीं करेंगे, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे और फिर डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा और नीचे। ये अब स्टार्टिंग हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड एनी वे का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ डाउनलोड दिखा देता हूँ आपको। वैसे मैंने पहले, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो ना मैंने डाउनलोड कर ली थी जेस कैश की ऐप, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने अप टू डाउन की वेबसाइट से ही की थी, यहाँ आप देख सकते हो, ये अप टू डाउन की वेबसाइट से ही मैंने की थी। अभी तो फिलहाल उनकी वेबसाइट में थोड़ा मसला आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डाउनलोड हो जाएगी तो इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा। अब आपको बता देता हूँ आपने क्लोनर कौन सा डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ आपने लिखना है क्लोन ऐप 2.7.1, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने जो ना यहाँ सर्च कर लेना, ठीक है, मैंने तो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ इसको सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने पर यहाँ ऐप मूड हेयर की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है।
और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हो डाउनलोड 61 MB लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेते हैं हम। थोड़ा सा मैं अभी डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यार थोड़ी आपको बता दूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। अब जो है इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है, मैं यहाँ इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रही हमारी जेस कैश की ऐप, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेते हैं, जेस कैश की ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है। तो इसको मैंने डन कर लिया, अब ये इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मांग रहा है ये। तो दोस्तों ये आप ये देख सकते हो कि भाई ये ऐप क्लोनर भी डाउनलोड हो गया, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसको क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हो ऐप क्लोनर की इस तरह का डिस्प्ले बना हुआ आएगा, यही ऐप आपको डाउनलोड करनी है। तो अब मैं इंस्टॉल कर देता हूं, ठीक है, यहां। तो आपको दोस्तों ये देख लेना है, ठीक है, कि यार जो आप जो क्लोनर डाउनलोड कर रहे हो उसका जो डिस्प्ले है ना, इसका जो पिक्चर है, ठीक है, उसकी जो ना डिस्प्ले जो ना ऐसा होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये डाउनलोड भी हो गया है, अब मैं इसको डन कर देता हूँ और बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब आपको क्लोन बनाना आपको बताता हूँ कि आपने क्लोन किस तरह बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मोबाइल रुक रहा है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ आपने करना क्या, ऐप क्लोनर को ओपन करना है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया, थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये क्लोनर जो ना ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जेस कैश की ऐप को क्लोन कैसे बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो जेस कैश की ऐप आ चुकी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद आपने यहाँ क्या करना है, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो यार आप यहाँ नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक क्लोन बनाना चाहते हो तो यहाँ आपने एक क्लोन लिख देना है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ सेटिंग है जो भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अपना इसका फ़िलहाल नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ क्लोन, ठीक है। क्लोन मैंने यहाँ क्लोन लिख दिया, ठीक है। आपको जो दिल आप करे वो आपने लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ अब आपने करना है क्लोनिंग ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लोनिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है आपको बता देता हूँ मैं। आपने जो ना क्या करना है, अब दोस्तों आपने दो तीन सेटिंग करनी है, ठीक है। क्लोनिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहला तो आप यहाँ देख सकते हो स्किप नेटिविटी लाइब्रेरी, ठीक पे, ठीक है। इसके उसको आपने जो ना अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे चले जाना है आपने, ठीक है। नीचे जाने के बाद आपने यहाँ नो किल देख सकते हो, इसको आपने अलाउ करना है, ठीक है। इसको अलाउ करने के बाद आपने यहाँ थोड़ा सा ये है अलाउ इन मल्टीप्ले अकाउंट्स, इसके मल्टीप्ले अकाउंट्स अकाउंट ऐप्स, ठीक है। इसको आपने अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपने क्या करना है, बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आप यहाँ जो ना क्लोनिंग का एक ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ अलाउ कर देना आपने, फिर अलाउ कर देना और उसके बाद ओके कर देना। ओके के बाद थोड़ा सा अब आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ना भी 91% हो चुका है, ठीक है। आपने 100 तक इंतज़ार करना है, ठीक है। तो भी 100 होने वाला ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों आपने बस सिर्फ वर्जन का ख्याल करना है, जो मैंने आपको बता दिया है कि, ठीक है, आपने दोनों वर्जन का ध्यान रखना है, ठीक है। जेएस कैश की ऐप का वर्जन आपको मैंने बता दिया 9.0.42 होना चाहिए और क्लोनिंग ऐप का जो मैंने आपको बताया 2.7.1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने जो ना ध्यान रखना है इन दोनों चीज़ों का, ठीक है। इन दो चीज़ें जब आप कर लोगे तो यार आपका क्लोन बिल्कुल ही, आप किसी भी ऐप को क्लोन करना चाहोगे तो यार आसानी से हो जाएगा। अब आपने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ अब हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये सेटिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सेटिंग को अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ।
दोस्तों ये अब इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं जो ना अपना करता हूँ, ठीक है। ये अब हमारा क्लोन आ चुका है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पहली ऐप है जे एस केच की जो, और अब जो क्लोन बना है वो ये है, ठीक है। अब आपको मैं ये ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो क्लोन है वो ओपन हो चुका है। मैं एक दफ़ा दोबारा भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरा जो क्लोन है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, 100% जो ना ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये कोई आपको मैं फेक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, 100% वर्क कर रहा है। आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यार आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैंने यही बताना था, और दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। और दोस्तों अगर फिर भी कुछ आपको समझना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।